और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा ये ब्राइडल मेकअप लुक और न्यूली ब्राइड मेकअप लुक, पूजा मेकअप लुक, रिसेप्शन मेकअप लुक या फिर कोई भी इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक। यही है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बोल्ड लुक देता है। तो आप इसको किसी भी अपने ब्राइडल लुक पे भी कैरी कर सकते हो, रिसेप्शन लुक पे भी कैरी कर सकते हो, किसी भी पूजा हो, फंक्शन हो, मतलब कि इंडियन में सारे जो हमारा जो फेस्टिवल है आप उसी टाइम पे ये सब ये वाला लुक क्रिएट करके कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने गोल्डन कट क्रीज पिंक मेकअप लुक क्रिएट किया है विथ बोल्ड रेड लिप्स। ऑकेजन हो या फिर फेस्टिवल हो, इंडियन ब्राइड्स पे रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है। सो इसलिए मैंने रेड कलर चूज़ किया है। आप चाहो तो पिंक कलर पे भी जा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो या दिस इज द लुक। और यहाँ पे मैंने थोड़े से हेयर स्टाइल करने की कोशिश किया है, आई होप आपको अच्छा लगे। सो या ये मेकअप लुक जितना भी बोल्ड लगता है उतना ही ब्यूटीफुल है कैरी करने में। सो प्लीज़ अगर मेरा ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मेकअप, स्किन केयर या फिर रिव्यू वीडियोज़ देखना है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो या अगर आपको मेरा ये होल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इट्स फ्री। सो या लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये रोज़ वाटर VLCC का एज टोनर। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल और विटामिन ई मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे ये मार्कोजा गुड वाइब्स का सेरम, ये बहुत ही अच्छा है। स्मेल थोड़ा अजीब है बट बहुत ही अच्छा सेरम है। उसके बाद प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे स्विस बीट का प्राइम एंड सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप प्राइमर की तरह वर्क करते हो, ये बहुत ही अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस पे, प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ। उसके साथ मैं ये आइकॉनिक का लिक्विड हाईलाइटर मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा ग्लो देने के लिए फेस पे, ये भी बहुत ही अच्छा है। आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो अफोर्डेबल साइड पे कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा अच्छा है, 4 to 5 आपके फेस पे रहेगा, तो मैं इसलिए ये वाला फाउंडेशन चूज़ करी हूँ। मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी ब्राइडल मेकअप किट शेयर किया हुआ है, अगर इनके से आपको कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्विस बीट का पेन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, अगर इनके साथ आपको कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ जाके इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, आप चाहे तो ब्रश यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस बीट का प्राइम एंड सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, मैट बना देता है, फेस को अच्छे से सेट कर लेता है और प्राइमर की तरह भी वर्क करता है, आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने ब्राउज को फिल कर लिया है और टेप भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज पर अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आई मेकअप अच्छा लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा उससे डार्क ब्राउन शेड को लेके अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस करते हुए क्रीज की तरफ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एक स्मोकी आई लुक जैसा इफेक्ट आए। उसके बाद यहाँ पर ये पिंक रेडिश कलर को लेके सेम मैं आउटर कॉर्नर पर प्लेस करते हुए इनर की तरफ इसको ब्लेंड आउट करूँगी। यहाँ पे ब्लेंडिंग मस्ट है, बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड करना है।
पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। ध्यान से करना है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आई मेकअप का बैंड बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कट क्रीज कर लिया है। उसके बाद मैं एक डार्क पिंक शेड को लेके अपने जो कट क्रीज है उसको सॉफ्टन कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद मैं ये गोल्डन ग्लिटर सिमर शेड को लेके कट क्रीज पे प्लेस करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये ब्यूटी क्लस पैलेट में से ये गोल्डन शिमर ग्लिटर शेड को लेके थोड़ा सा प्लेस करूँगी आई मेकअप को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए उसके फीचर्स को। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजल को लेके अपने जो लैश लाइन के करीब करीब ड्रॉ करूँगी ताकि एक लाइनर की तरह इफेक्ट आए। और इसको स्मच करूँगी एक फ्लैट ब्रश से। आप चाहो तो लाइनर पे ड्रॉ कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा फेस पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही थिक काजल अप्लाई करूँगी बिकॉज ये थोड़ा सा बोल्ड लुक है। उसके बाद मैं ये रेड पिंक शेड को लेके फ्लैट ब्रश से काजल के साथ स्मच करूँगी अच्छे से ताकि आई मेकअप बैलेंस दिखे। देन मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी। मैंने मेकअप किट पे अच्छे से आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे चूज़ किया है, तो आप अगर चाहो तो उसको परचेस भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लैश पैराडाइज का मस्कारा अप्लाई किया है। अपने फेस पे जो मैंने बेक किया था तो उसको मैंने डस्ट आउट कर लिया है। उसके बाद मैं अपने वेट एंड वाइल्ड पैलेट में से ये रोज़ इन द एयर पे लेके अपने फेस पे कॉन्टूर करूँगी। अपने नोज़ को ये फ्लैट ब्रश कॉन्टूर करूँगी ताकि नोज़ मेरा जो पकौड़ा जैसा है थोड़ा सा स्लिम दिखे। देन यहाँ पे ये ब्लश अप्लाई करूँगी। ये पैलेट बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको ये ब्राइडल किट में भी रेकमेंड किया है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। उसके बाद ये सेम पैलेट में से ये हाइलाइटर शेड लेके अप्लाई करूँगी, गोल्डन वाला है ये, जहाँ जहाँ मुझे हाई पॉइंट्स चाहिए उसमें मैं अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी, ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, बोल्ड मैट लिप लाइनर ऑरेंज शेड को लेके मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का मैंने पिंक शेड को लेके फास्ट लव को अपने लिपस्टिक की तरह वर्क किया है, फेस को सेट किया है। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा।